नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पेयर। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। आज विजयदशमी है, नवरात्र समाप्त हुआ, आज विजयदशमी है। मैं अभी गांधी मैदान स्थित हूँ, जहाँ पर रावण का पुतला दहन होना है। माननीय मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पहुँचने के बाद रावण का पुतला दहन किया जाना गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रावण बनकर तैयार है। और आपको चलिए दिखाता हूँ किस तरह से गांधी मैदान पूरा सजकर तैयार है। देखिए किस तरह से ये जो गांधी मैदान का दृश्य है, आपको दिखा रहा हूँ गांधी मैदान का दृश्य। जो दो बड़े बड़े पुतले नजर आ रहे हैं, वो रावण का पुतला बनाया गया है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे, उसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था की गई है। नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरी तरह से गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जिस तरह से पिछले वर्ष कुछ वर्ष पहले, लगभग 5 से 6 वर्ष पहले भगदड़ हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रावण का पुतला दहन होता है, भीड़ बहुत भारी मात्रा में पहुंचती है और देख सकते हैं कि किस तरह से ये गांधी मैदान पूरा सज धज कर तैयार है रावण का पुतला दहन होने के लिए। रावण का पुतला लगभग शाम में पुतला दहन किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, साथ में भी कई बिहार सरकार के मंत्री होंगे, वो जो पहुंचेंगे। ये व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी मैदान को सजा कर तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं वो पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस भी तैनात कर दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी अंदर जाने के लिए तैयार है। नगर निगम पानी का फव्वारा मारे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी मैदान जो सज कर तैयार है, कुर्सियां लगाई जा रही है। जो दर्शक पहुंचेंगे रावण वध देखने के लिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो रावण का पुतला बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये गांधी मैदान का दृश्य है, आप देख सकते हैं। अभी आम पब्लिक भी है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी आ रहे हैं, मगर अंदर जाने के लिए अभी रोक लगाया गया है। अभी काम चल रहा है अंदर में, अभी तैयारियां चल रही है, इसी को लेकर अभी अंदर जाना मना कर दिया गया है। आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से पटना नगर निगम की गाड़ियां पानी का फव्वारा मार रही है गांधी मैदान के अंदर। और आप देख सकते हैं ये रावण का पुतला बनकर तैयार है। अब आज शाम में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे 2-3 बजे, उसके बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा। कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी मैदान तैयार है, रावण का पुतला बना हुआ है, बोर्डे लगाए गई है, CCTV कैमरा है, नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, CCTV कैमरा लगाए गए हैं, सारी निगरानियां रखी जाएगी कि भगदड़ ना मचे, उसको ध्यान में रखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। इसी तरह आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।